एग्जाम्पल 11, द मैग्नेटिक पोटेंशियल वी फ्रॉम फॉर ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस ए एंड स्ट्रेंथ ओमेगा पैरेलल टू इट्स एक्सिस सेटिस्फाई लैपलेस इक्वेशन इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा ऑन द डिस्क इटसेल्फ एंड वैनिश एट द एक्सट्रीम पॉइंट्स। दैट मीन्स जो एक्सटर्नल पॉइंट्स थे वहां पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। दैट मीन्स उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0-0 आ जाएगी। इन द प्लेन ऑफ द डिस्क शो दैट एट द पॉइंट आर कॉमा जेड वेयर जेड ग्रेटर देन 0 वी इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा ए इंटेग्रल 0 to infinity ई की पावर माइनस एस जेड जे नॉट आर एस जे वन ए एस डी एस। तो इसको हमने प्रूव करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करेंगे। तो हमारी क्या आती है, कर्ल के वी अपॉन कर्ल आर के प्लस 1 upon r कर्ल वी अपॉन कर्ल आर प्लस कर्ल के वी अपॉन कर्ल जेड इसके इक्वल टू 0। इसे दे दी इक्वेशन नंबर 1। और हमें बाउंड्री कंडीशंस क्या गिवन है, 2 पाई ओमेगा वेयर आर लाइज बिटवीन 0 to a और a क्या गिवन है, 0 जब हमारा r क्या होगा, बड़ा होगा। दैट मीन्स r अगर ग्रेटर देन a होगा तो ये हमें बाउंड्री कंडीशंस गिवन है। और दोनों में हमें z इक्वल टू 0 गिवन है। तो इसे दे दी इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हमने फिर से एग्जाम्पल नंबर 9 का सोल्यूशन ले लिया, डी स्के वी बार अपॉन डी जेड स्के माइनस एस एस के वी बार इक्वल टू 0 जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था। वेर यहाँ पे वी बार किसके इक्वल होता है हमारा, इंटेग्रल 0 to infinity वी आर जे नोट एस आर जैसे हमने यहाँ पे किया था, वी आर जे नोट एस आर डी आर। तो फिर से हमने एग्जाम्पल नंबर 9 का सोल्यूशन ले लिया। अगर आपको ये एग्जाम्पल 16 marks में आती है तो आपने एज ए लम्मा एग्जाम्पल नंबर 9 को यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें गिवन क्या है कि जेड किसके इक्वल है, 0 के। सो यहां तक तो हमारा सेम बन रहा है। इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है, वी बार इक्वल टू सी वन ई की पावर एस जेड प्लस सी टू ई की पावर माइनस एस जेड। आप यहाँ पे उस ये पार्ट वहां पे भी प्रूव कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अगर वी बाउंडेड है तो हमारा जो वी बार है वो भी बाउंडेड होगा। अगर वी बार बाउंडेड है तो सी वन की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो हमारे पास इक्वेशन किसकी इक्वल आ गई, सी टू ई की पावर माइनस एस जेड। नाउ क्वेश्चन में हमें जेड इक्वल टू 0 भी गिवन है तो ई की पावर 0 इज 1। तो हमारे पास क्या आ गया, 0 to infinity वी आर जे नॉट एस आर डी आर। सिंपली हमने वी बार को कंसीडर कर लिया, वी आर जे नॉट एस आर डी आर। सो यहाँ पे पुट कर दिया। नाउ इसकी लिमिट्स को सेपरेट कर दिया क्योंकि अगर 0 to a वैल्यू है, 0 to a लिमिट है तो वैल्यू 2 पाई ओमेगा है। अगर a से बड़ी है तो वैल्यू 0 है। तो सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया 0 और यहाँ पे पुट कर दिया 2 पाई ओमेगा और r j नॉट एस आर डी आर एज इट इज 0 to a a टू जेड। तो ये वाली टर्म हमारी 0 आ गई। नाउ यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट क्या आ रहा है, 2 पाई ओमेगा। इसको बाहर निकाल दिया, 0 to infinity 0 to a आर जे नॉट एस आर डी आर एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इसको फिर से कंबाइन कर लिया जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था। सो यहाँ पे क्या किया, जो हमारी वी वर था उसकी वैल्यू पुट कर दी, सी टू ई की पावर माइनस एस जेड। नाउ जेड को 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी टू ई की पावर 0, ई की पावर 0 इज 1, 1 into c2 इज c2। तो हमारा यहाँ पे c2 आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, r j नॉट एस आर डी आर की। तो पहले हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। उसके लिए हमने क्या किया, जो रेकरेंस रिलेशन से उसको हमने कंसीडर कर लिया। उसके बाद हमने n इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो d अपॉन डी आर एज इट इज r की पावर 1 j 1 एस आर इक्वल टू r की पावर 1 j 1 माइनस 1 इज 0 एस आर। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, r j नॉट एस आर लेफ्ट हैंड साइड ले आए और इसको राइट हैंड साइड ले आए। तो r j नॉट एस आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, d अपॉन डी आर आर जे वन एस आर डी आर और जो 1 अपॉन एस था वो
ये देखो 1/s कैसे आया, यहाँ पे हमारे पास अंदर हमने s के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, बट यहाँ पे हमने गलती से 1/s के साथ डिवाइड नहीं किया है। ये देखो हमारे पास फर्स्ट रेकरेंस रिलेशन क्या होता है, d/dx x की पावर n जे एन x इक्वल टू x की पावर n जे एन माइनस 1x। सो अगर x को sx में चेंज करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसका डेरिवेटिव को हम ओपन करेंगे तो हमारे पास एक 1/ एक साथ में मल्टीप्लाई s भी आएगा, तो उस s को खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे 1/s डिवाइड कर दिया, क्योंकि अगर इसको ओपन करेंगे तो हमारी यही टर्म आएगी r की पावर n j j n डैश एस आर और मल्टीप्लाई s भी आएगा, तो उस s को खत्म करने के लिए हमने s के साथ डिवाइड कर दिया। सो यहाँ पे हमने डिवाइड नहीं करना क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है। नाउ यहाँ पे भी हमारा 1/s आएगा और यहाँ पे भी 1/s आएगा। सो आर जे नोट एस आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/s d/dr आर जे वन एस आर। सो सिंपली यहाँ पे पुट कर दी dr एज इट इज। अब इंटीग्रेशन के साथ डेरिवेटिव कैंसिल हो जाता है, सो जो अपर लिमिट है उसको पुट कर देंगे किसकी जगह, r की जगह, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव कर रहे हैं, और जो हमारा s है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। नाउ यहां पे पुट किया तो 1/s कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया, r की जगह a पुट किया, a j1 s a माइनस आर को जीरो पुट करेंगे तो पूरी टर्म हमारी क्या आ जाएगी, जीरो, तो लोअर टर्म हमारी जीरो बन गई। अब हमने क्या किया, सी टू की वैल्यू इक्वेशन थ्री में पुट कर दी, वी बार किसके इक्वल आ गया, सी टू की वैल्यू पुट कर देंगे ई की पावर माइनस एस जेड एज इट इज। सो यहां पे पुट कर दी। क्वेश्चन में हमें फाइंड करने के लिए क्या कहा है, v फाइंड आउट करने के लिए कहा है, सो v कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम यहाँ पे इनवर्स फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सो अप्लाइंग इनवर्शन फॉर्मूला ऑफ हेंकेल ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑर्डर जीरो, वी गेट लेफ्ट हैंड साइड हमारा v बन गया, राइट हैंड साइड हमने डेफिनेशन अप्लाई कर दी, जीरो टू इन्फिनिटी फंक्शन एस जे नोट एस आर डी एस, तो जो कांस्टेंट टर्म थी उसको बाहर निकाल दिया, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस जेड एज इट इज जे नोट एस आर, और यहां पे गलत दे रखा है जे वन एस ए डी एस, और इसके साथ एस खत्म हो जाएगा और ये टर्म बाहर निकाल दी। सो यहां पे ये हमारा वी की वैल्यू आ गई, टू पाई ओमेगा एज इंटेग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस जेड जे नोट एस आर जे वन ए एस टी एस। दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर 8 marks। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 12 करेंगे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है और जो पंजाब यूनिवर्सिटी में 2015 और 16 में भी आई हुई है। थैंक यू।